नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं चमोर्ची बगान में और मेरे साथ में बैठी हुई है मनीषा प्रधान जी। मैं बता दूं कि इन्होंने इस बार के जो एचएस के एग्ज़ाम हुए इसके अंतर्गत लगभग 90% मार्क्स के साथ फर्स्ट क्लास पास हुई है। तो आज हम लोग उनसे कुछ बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे वे आगे चलकर किस प्रकार से अपने भविष्य को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। बताइए कि आप अभी इतने अच्छे मार्क्स के साथ पास किए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैंने जो पढ़ाई की थी उसके अनुसार ये ऑलमोस्ट सही मार्क्स आए हैं मेरे, तो मैं अनहैप्पी। तो आपने सोचा था मतलब तैयारी करते समय कि आप इतने अच्छे रिजल्ट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स, एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, थोड़ी सी कम आई है, लेकिन इट इज़ राइट फॉर मी। तो मतलब बहुतों को लगता है कि मतलब टॉपर जो भी होते हैं या अच्छे मार्क्स लाते हैं उनसे एक सवाल रहता है कि प्रिपरेशन किस प्रकार से करना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके जूनियर्स को एक सलाह देना हो तो? प्रिपरेशन तो ऑफ कोर्स आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए। मतलब कि आप अगर फिजिकल साइंस, या अभी हमारे यहाँ तो फिजिकल साइंस नहीं है, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप एक बुक में सिर्फ निर्भर मत रहिए। आप दो या दो से ज़्यादा बुक पढ़ सकते हैं, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और बुक्स तो रहेंगे, फिर आप जल्दी से जल्दी बुक ख़त्म करके सजेशन मिलते हैं वो उसे कम्प्लीट कीजिए। और जब एग्ज़ाम होने वाला होता है, एक से दो महीने पहले ABTA नाम का एक बुक आता है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वो क्वेश्चंस आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट रहता है कि प्रैक्टिस मेक पर्सन बेटर। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे कीजिए, हैंड राइटिंग अच्छे बनाइए और स्पीड से लिखिए। तो आपका शेड्यूल किस प्रकार से था मतलब शुरुआती समय से? मैंने तो जैसे 11th का एग्ज़ाम दिया, दूसरे दिन से ही मैंने 12th की स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी, तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके ही मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। और एंडिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि मैंने लगभग 1.5 साल ही पढ़ाई किया 12th का। यस सर, तो एक्चुअली मेरा 11th ख़त्म होते ही मैंने स्टार्ट किया था। तो आपने सोच रखा था कि रिजल्ट बेहतर, बहुत बेहतर, और एक्चुअली इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट की। और मैंने दो बुक पढ़ी, एक सब्जेक्ट के लिए दो सजेशन लिए, ABTA सारा हो गया था, तो रिवाइज कर लिए थे। एग्जाम तो आप मतलब एग्जाम तक में सब बेहतर हो चुका है। तो आप अभी पास कर चुकी हैं, तो अपने माता पिता के लिए क्या कहना? माता पिता सपोर्टिव होने चाहिए और मेरे हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। एक्चुअली अगर घर में परेशानियाँ होती है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्होंने मुझे शांति दी, शांति को आप वातावरण दिया, पढ़ाई का एनवायरनमेंट दिया, तो इनके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि घर में अगर वैसा माहौल नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले कहते हैं कि टीचर्स का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है एक स्टूडेंट के लिए, तो आप चामोर्ची भारतीय पाठशाला की स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार का माहौल रहा और वहाँ के जो जितने शिक्षक गण थे किस प्रकार से आपको सपोर्ट किया? हमारे स्कूल के सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, इवन वो हमें मोटिवेट भी करते थे कि आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है इस बात से मत पढ़ो, आपको कुछ बनना है, आगे चल के कुछ करना है, इसके लिए भी पढ़ना होगा, इसके इन सबको बताते हुए वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से समझाते थे। और ना केवल एक बार, जितनी बार आपको समझ में नहीं आए उतनी बार, और छुट्टी के समय भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, जब 3 महीने का छुट्टी होता है तो मैं उनसे पूछने के लिए जा चुकी हूँ। वो मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे सिर्फ नहीं हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहूँगी। और आपके फेवरेट टीचर्स कौन कौन से रहे सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज तो हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट थे, तो 6 के 6 टीचर बहुत अच्छे थे। मैं मतलब किसी का ऐसे पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि सारे टीचर बहुत अच्छे थे, सभी के सभी अच्छे। आगे के लिए क्या सोचते हैं आप? आगे के लिए कुछ सोचा है, बट मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगी। मतलब कॉलेज करेंगे या फिर मतलब अदर कोई भी फील्ड हो गया, जैसे कोर्स वगैरह कुछ करना? ऑफकोर्स मैं ग्रेजुएशन करूँगी, लेकिन उसके बाद या उसके साथ में क्या करना चाहती हूँ मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। अभी नहीं बताएंगे। यस, मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, वो थोड़ा प्राइवेट रख लेती हूँ। मतलब थोड़ा सोच है वो, अगर होता है तो मैं बता दूँगी, लेकिन अभी वो ठीक से मैं कन्फर्म नहीं हुई, सो मुझे अभी मैं रिवील नहीं करना चाहती।
आपसे एक पर्सनली सवाल करना चाहेंगे कि पहले हम लोग या विभिन्न लोग कहते थे कि शहरी क्षेत्र के जो बच्चे वो बेहतर होते हैं, तो आपके नज़रिए में क्या है कि बगान के बच्चे अभी किस प्रकार से आगे आ रहे हैं? शहरी क्षेत्र के बच्चे अच्छे होते हैं, हाँ ठीक है ये बात, लेकिन बगान के बच्चे बुरे हैं ये किस तरह से हम कह सकते हैं? शायद उनके यहाँ आसपास पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, इस कारण से भी है। लेकिन मेरे घर में मेरे फादर, सिस्टर, ब्रदर सारे में मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे, मुझे बचपन से सिर्फ पढ़ाई ही रखा गया। तो मैं चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो कोई भी बच्चा बिगड़ेगा नहीं, सारे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। अगर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं तो बगान या फिर शहर मैटर नहीं करता, मैटर करता है एनवायरनमेंट कैसा है, तो सब अच्छे हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें हम लोग के साथ साझा की। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल को भी थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। वैसे ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था आपके चैनल में और थोड़ी नर्वस, लेकिन इट्स फाइन। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और मेरे बारे में सबके सामने ले जा रहे हैं और मेरे फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, थैंक यू। इसके लिए तो आपको भी शुक्रिया। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमारे साथ में मनीषा प्रधान जी थी, वे इतने अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़े हैं, तो हमारे चैनल की तरफ से भी उन्हें बेस्ट विशेष है। और दोस्तों हम इसी के साथ आपसे इस वीडियो में इतना ही कहते हैं और आने वाले समय में बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो मनीषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोग के साथ बातों को साझा किया, धन्यवाद।